वेलकम टू एमी क्रेजी डॉट कॉम। मेरा नाम है अमृता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस चीज को एक बार अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बाल हो जाएंगे बिल्कुल काले। आजकल तो उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। सफ़ेद होने की शिकायत जो है यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है। और बालों के सफ़ेद होने का सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस, पोल्यूशन और कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होते हैं, और साथ ही साथ अनबैलेंस डाइट भी इसका एक मेन कारण है। जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से भी बाल जो है जल्दी उम्र से पहले ही सफेद होने लगे हैं। और स्ट्रेस तो आजकल मान लो कि कॉमन सी बात हो गई है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, इसीलिए भी उम्र से पहले बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो सफेद बालों को ही किस तरीके से हम काला करें बिना किसी डाय का इस्तेमाल किए बगैर, तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना है केवल 2 रुपए की ये फिटकरी किसी भी किराना दुकान पे या फिर आपको आजकल मेडिकल स्टोर में भी ये मिल जाता है। ये जो फिटकरी होती है दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये हमारे बालों को जड़ से काला करती है। फिटकरी इतनी ज्यादा चमत्कारी है दोस्तों, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जेंट्स जब शेविंग करते हैं उसके बाद शेविंग करने के बाद फिटकरी अपने गालों पर जरूर लगाते हैं क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, और साथ ही साथ जो हमारे बाल सफेद हो रहे हैं उन्हें काला करने का ये काम करती है। तो फिटकरी का आपको छोटा सा एक टुकड़ा लेना है, इतना बड़ा हमें नहीं लगने वाला है, तो इसके टुकड़े मैं कर लेती हूँ। तो क्रश करके इसके 2-3 टुकड़े हो गए हैं, तो इसके जो 2 बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ और केवल इतना सा जो है हमें पीस लगने वाला है फिटकरी का। अब इस छोटे से फिटकरी के टुकड़े को क्रश करके, खलबत्ते में क्रश करके उसका पाउडर बना लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। मार्केट में आपको फिटकरी का पाउडर भी मिल जाता है दोस्तों रेडीमेड, मगर मैं रेकमेंड करूंगी कि फिटकरी आप लें और उसका पाउडर इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। तो देखिए जैसे ही मैंने हल्का कूटना शुरू किया इसका पाउडर बनना शुरू हो गया है। तो हमें इस रेमेडी में केवल आधी छोटी चम्मच ही फिटकरी का पाउडर लगने वाला है। तो फिटकरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीसेप्टिक का काम करती है, कभी हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करने का काम करती है फिटकरी। तो आप चाहें तो फिटकरी का पानी से भी अपने बालों को धो सकते हैं, उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो डैंड्रफ की परेशानी है वो दूर हो जाती है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट का डर नहीं है दोस्तों, पुराने समय से ही फिटकरी का इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं। यदि आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपको बाजार से कोई हेयर कलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे और जो नए बाल उगेंगे वो जड़ से ही काले उगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसे लगाना कब है। आपको सप्ताह में 2 से 3 बार इसे लगाना है जब भी आप हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश करने के आधे घंटे पहले इसे लगा लें। इसका नियमित तौर पर आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपके बाल जड़ से ही काले उगेंगे और जो बाल सफ़ेद ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें कालापन आने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों फिटकरी का पाउडर बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया है घर पर ही। तो फिटकरी के बारे में तो हम सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा ये फायदेमंद होती है, कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें होती है। अब जो दूसरी चीज़ हमें लगने वाली दोस्तों वो है आंवले का तेल। तो करीब 2 चम्मच यहाँ पे मैंने आंवले का तेल लिया है। यदि आपके पास आंवले का तेल अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंवले के तेल की जगह पे नारियल का तेल ले सकते हैं और आंवले का पाउडर उसके साथ मिला सकते हैं, जिससे कि आंवले की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तेल में आ जाए। क्योंकि आंवला जो है दोस्तों भरपूर मात्रा में उसमें विटामिन सी होता है और वो हमारे बालों को नेचुरली कालापन देता है और हमारे बाल जड़ से ही काले आने लगते हैं। आंवले का पाउडर आपको किसी भी किराने दुकान में मिल जाएगा या फिर आपको आयुर्वेदिक दुकान में भी आंवले का पाउडर मिल जाएगा। तो अभी इस वक्त मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आंवले का तेल मिलाया है और आधी छोटी चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाया है। खूब अच्छी तरीके से दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लें। तीसरी और आखिरी चीज़ आपको यहाँ पे मिलानी है वो है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। तो केवल 1 कैप्सूल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। विटामिन ई हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करती है, हमारे बालों को कई पोषक तत्व इसकी वजह से मिलते हैं जिससे कि हमारे बाल काफी ज्यादा मजबूत और घने होते हैं। और बाल यदि जड़ से मजबूत होंगे तो अपने आप ही बालों का झड़ना टूटना रुक जाएगा और हेयर फॉल की समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है दोस्तों, जो ऑयल होता है, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो यहाँ पे 2 चम्मच आंवले का तेल, आधी छोटी चम्मच फिटकरी का पाउडर और 1 विटामिन ई की कैप्सूल, तीनों को ही खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसे केवल अपने बालों की जड़ों पर लगाना है और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बाल जड़ से ही काले उगेंगे। और बहुत ही बजट में ये नुस्खा है दोस्तों, कोई महंगी चीज आपको इसमें नहीं लगी है। अब
बात करते हैं इसे लगाना कैसे। तो आप इसे फिंगर टिप्स की मदद से लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से कॉटन बॉल की मदद से भी आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। तो अपने स्कैल्प पे लगाकर भी मैं आपको बताऊंगी। यदि आपके बालों में स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तब भी आप इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसे अपने बालों पर भी लगा के बताऊंगी। और दोस्तों ये आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट में जब आप नहा लेते हैं उसके बाद आखिरी में एक मग पानी में फिटकरी को डाल करके वो मग पानी का आपके बालों पर आप डाल दें। उससे भी यदि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर कोई स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और तो और ऐसा करने से बहुत अच्छी बालों में चमक भी आती है। आप चाहे तो इस ऑयल को जो ब्रश मिलता है मार्केट में उससे भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से कॉटन बॉल की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर अपने फिंगर टिप्स की मदद से भी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। सप्ताह में 2 से 3 बार इसे लगाना है। बाल धोने के आधे घंटे पहले इसे आप लगाएं और आधे घंटे बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। और जब भी आप शैम्पू लेते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शैम्पू नहीं लेना है, माइल्ड शैम्पू लेना है। कोशिश करें हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल आप करें। तो इस ऑयल को आप पूरे स्कैल्प पे लगाएं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, थोड़े थोड़े इस तरीके से बालों को हटाते जाएं, पार्टीशन करते जाएं और ऑयल को लगाते जाएं। तो इस ऑयल को आप सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर लगाएं दोस्तों। आप खुद ही देखेंगे कि आपके बाल इतने जड़ से मजबूत हो जाएंगे कि बालों का गिरना ही रुक जाएगा और साथ ही बाल जो है जड़ से काले होंगे। तो बस इस तरीके से पार्टीशन करते जाना है, रुई को ऑयल में डिप करते जाना है और अपने स्कैल्प पे लगाते जाना है। दोस्तों जब हम कोई हार्श केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे बाल शुरू में तो अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि अरे वाह कितने अच्छे हो गए बाल, लेकिन धीरे धीरे करके वो शैम्पू हमारे बालों को डैमेज करने लगता है। और ये भी एक मेन कारण है बाल सफ़ेद होने का। पुराने समय में आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद ही लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते थे, लेकिन आजकल तो यंग जनरेशन में भी 16-17 साल की उम्र में भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में ही प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या देखी जा रही है। और दोनों में ही लेडीज जेंट्स दोनों ही इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है दोस्तों, बेझिझक होकर आप इस नुस्खे को जरूर लगाएं। वैसे मार्केट में तरह तरह के केमिकल वाले डाई आते हैं, कलर आते हैं, परंतु उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है और हमारे पूरे बाल ही धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। तो कोशिश आप यही करें दोस्तों कि घर पर ही जो सफ़ेद हो रहे बालों को जड़ से काला करें। दोस्तों ये जो होम रेमेडीज़ होती है इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जड़ से ही आपकी परेशानियों को ये दूर कर लेती है। तो कोशिश आप यही करें कि हमेशा होम रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल करें। इनके एक तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और जड़ से प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स में ना जाएं दोस्तों, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं उसी का आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या ना हो, बाल आपके जल्दी सफ़ेद ना हो, और मान लीजिए यदि आपको प्रीमैच्योर ग्रोइंग हो भी गई है और आप चाहते हैं कि आपके बाल जड़ से काले हो जाए, तो इस रेमेडी का आप नियमित तौर से इस्तेमाल ज़रूर करें, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार। तो दोस्तों यदि वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आप लोगों के लिए खास एक स्टोर बनाया दोस्तों अमेजोन पे, जहाँ पे आपको बजट वाली चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैंने सेपरेट करके रखी है और आप लोगों के लिए खास सिलेक्ट करके रखी है मेरे स्टोर में, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट में चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।